मित्रों नमस्कार। आजकल YouTube पर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कल मैं एक मोटिवेटर का सुन रहा था, क्लासरूम में मोटिवेटर है और उसके सामने बहुत सारे लोग थे और वो दो विषयों पर बात कर रहा था कि भगवान और भूत। क्या किसी ने भूत की कहता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो कह रहा था कि भगवान, आप में से किसी ने भगवान को देखा है क्या? तो उधर से आवाज़ आ रही थी, नहीं। बोले फिर आप क्यों मानते हैं कि भगवान है? कोई उत्तर नहीं। ये ऐसे विषय भगवान के बारे में बहुत सारे लोग संसार में, खास करके हिंदुस्तान में, हमारे बहुत से अपने मित्र हैं, वो मुझसे फ़ोन करके कहते हैं कि तुम भगवान को क्यों मानते हो? हमने क्यों ना माने? बोले भगवान आपने देखा है? हमने कहा रोज़ देखता हूँ। कई ऋषि मुनि महात्मा लोगों को कहते हैं कि मैं आपका भगवान से साक्षात्कार करा दूंगा। कई किताबों में कई लोगों के बारे में ऐसा वर्णन मिलता है कि उनको भगवान के दर्शन हुए थे, लेकिन अगर भगवान की वास्तविकता की बात करें तो वो कहते हैं कि वो हिमालय में उनको भगवान के दर्शन हुए थे। तो ऐसे कहानियाँ बहुत सी मिलती हैं कि हमको भगवान आए थे, हमको भगवान मिले थे, हमने भगवान से बात की थी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान से मिल चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। ये जो विषय है, उस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। अब है क्या कि हम ऐसी जगह खड़े हैं कि ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान को नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो भगवान को हमें मानना है। और जब हमें भगवान को मानना है तो फिर भगवान हमको कौन सा दिखाया जाता है? हम अब आज उस व्याख्या पर नहीं जाएंगे। भगवान पर मैंने बहुत सारी आपको वीडियो डाली हुई हैं। इस देश में अगर आज भी लोग भगवान से अनजान हैं, भगवान के होने ना होने पर अगर आज भी प्रश्न चिन्ह हैं, तो उन लोगों की वजह से हैं जिन्होंने भगवान के वास्तविक स्वरूप को कभी परोसा ही नहीं कि भगवान माने क्या। अभी एक मेरे लेटेस्ट 20 दिन पुरानी बात है। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ बैठा था तो एक किसी बुजुर्ग व्यक्ति का फोटो लगा था ड्राइंग रूम में। हमने उनसे पूछा, ये आपके पिताजी हैं क्या? उसने कहा, नहीं, ये मेरी वाइफ के पिताजी हैं। हमने कहा, आपके पिताजी का चित्र नहीं है क्या? बोले, मेरे पिताजी तो जब मर गए जब फोटोग्राफी थी ही नहीं, मतलब मेरे पिताजी का कोई फोटो नहीं है मेरे पास ताकि उसको इनलार्ज करा करके ड्राइंग रूम में लगा सकूं। आप बुरा मत मानना जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने कहा, लगा लो यार, काल्पनिक बना लो यार। बोला, काल्पनिक अपने पिताजी का चित्र कैसे बना सकता हूं? तो हमने कहा, जैसे जब भगवान के काल्पनिक चित्र बनाए जा सकते हैं तो आप अपने पिताजी का काल्पनिक चित्र क्यों नहीं खींच सकते? आप अपने चाचा से पूछिए कैसे थे, बताएंगे लंबे थे, काले थे कि गोरे थे? बोले गोरे थे। मुंह लंबा था कि गोल था? बोले गोल था। आंखें छोटी थी कि बड़ी थी? बोले बड़ी थी। नाक कैसी थी? बोले नाक कैसी थी। किसी आर्टिस्ट को बोलेंगे कि ऐसा एक चेहरा बना तो बन जाएगा, आपके पिताजी आपके सामने हैं, पिताजी के ड्राइंग रूम में चित्र लगा लो। चूंकि
जब ये दुनिया भगवान के काल्पनिक चित्र बना सकती है तो फिर हम अपने पिताजी का काल्पनिक चित्र क्यों नहीं बना सकते। तो मुश्किल है चित्रों की। भगवान के नाम पर इतने चित्र, आप शंकर भगवान को देख लो, शंकर भगवान के हजार टाइप के, हजार प्रकार के स्केच हैं राम के। अभी एक लेटेस्ट 8 साल पहले लक्ष्मी जी का फोटो, वो रानी लक्ष्मीबाई का कहीं फोटो मिला, नेट में कहीं रानी लक्ष्मीबाई का फोटो नहीं था, लेकिन किसी ने डाला न्यू सोशल मीडिया में कि ये रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल चित्र हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। अब वास्तव में वो रानी लक्ष्मीबाई का है कि नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन अगर किसी ने फर्स्ट टाइम डाला कि रानी लक्ष्मीबाई का एक चित्र ये मिल गया तो मुझे मानना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने भगवानों के चित्रों को मान लिया। तो जब डाउट जो क्रिएट करते हैं कहाँ है भगवान, वो इस वजह से करते हैं कि भगवानों की जो कल्पना है, जो मेरे मानस पटल में, वो चित्रों की कल्पना है। और वो चित्र, उस चित्र की शकल का कोई व्यक्ति इस संसार में कहीं दिखता नहीं है किसी को। बस इसीलिए लोग कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है क्या, बोले देखा तो नहीं है, तो फिर भगवान को क्यों मानते हैं, बोले नहीं लोग बताते हैं। किस भगवान को मानते हैं, तो भगवान भी बहुत सारे हैं। अब भगवान तो एक ही होगा ना, तो भगवान का जो कल मैंने जो सोशल मीडिया में यूट्यूब में एक वो मोटिवेटर जो भगवान के बारे में बता रहा, उससे मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं एक बार फिर मैं भगवान के बारे में ज़रा बताऊं। तो चलिए मोटी मोटी बात समझाता हूं। हम लोग सब जानते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। कुछ लोग इस श्लोक को जानते हैं और कुछ लोग क्या जानते हैं कि मुझे तो भगवान ने जन्म दिया है, मुझे तो भगवान ने जन्म दिया है। और फिर और एक चीज कहते हैं, मुझे तो भगवान ही पालता है। फिर और एक चीज कहते हैं, एक गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। खुदा का मतलब वो एक स्लोगन है, खुदा का मतलब यहाँ भगवान है, मुसलमान लोग खुदा कहते हैं, हम भगवान कहते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। और पैदल ही जाते हैं लोग, जब अर्थी जाती तो पैदल ही कंधों पर लाद के जाते हैं। कहाँ जाते हैं, भगवान के घर में। तो आप फिर जानते हैं कि पंच तत्व में फिर से विलीन हो जाते हैं। जो तत्व जहाँ से आया था उसी में चला गया, मिट्टी का मिट्टी में, पानी का पानी में, आकाश का आकाश में, अग्नि का अग्नि में, और वो जल का जल में। तो भगवान तो इतना सरल विषय है, इसमें ना डाउट और शंका जो मेरे मन में आती वो गलत आती है। तो आज आपको मैं बताता हूँ, सिंपल बता तो चुका हूँ कई बार, लेकिन देखिए आप, भगवान ऐसे तो लिखते हैं, भा गा वा आ का मात्रा और ना, तो क्या है, भा गा वा आ का मात्रा अग्नि आ बना दो और ना, इसी को कहते हैं छित जल पावक गगन। भा से है भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नी। यानी कि इस ब्रह्मांड में, इस भूमंडल में जो जड़ जगत की इकाइयाँ हैं, 5 ही इकाइयाँ हैं, आप नज़र डाल के देख लो, जड़ जगत की केवल 5 इकाइयाँ हैं। जमीन में मैं चलता हूँ, भूमि, घर बनाता हूँ, खेती करता हूँ, चलता फिरता हूँ, सड़क बनाता हूँ, भूमि, गगन
ये जो आकाश है, ऊंचाइयों तक अगर गगन ना होता तो आपका जहाज कहाँ उड़ता? वायु, प्राणवायु, दिन में 21,000 बार सांस लेता हूँ। अग्नि, अग्नि का स्रोत कौन है? सूरज। दुनिया में अग्नि के जितने भी पदार्थ हैं ना, पेट्रोलियम पदार्थ भी सूरज की अनुकंपा के बगैर बन नहीं सकते, लकड़ी सूरज की अनुकंपा के बगैर बन नहीं सकती, और अग्नि, सूरज तो अपने आप में अग्नि है जिसके माध्यम से फोटोसिंथेसिस होता है, हमको भोजन मिलता है, और नीर माने पानी। अब ये भगवान हमारे सामने रोजाना, प्रतिदिन मैं सूरज को देखता हूँ, प्रतिदिन धरती को देखता हूँ, प्रतिदिन आकाश को देखता हूँ, प्रतिदिन पानी का उपयोग करता हूँ, प्रतिदिन प्राण वायु ऑक्सीजन ग्रहण करता हूँ, और यही पांच तत्व मिल करके ये शरीर को बनाते हैं। जड़ जगत ने जड़ जगत को बना दिया, यानी ये जड़ जगत है और ये शरीर जड़ जगत का है, मरने के बाद जड़ जगत में विलीन हो गया। तो भगवान तो हमारे सामने है, भगवान अगर हम किसी मनुष्य के रूप में देखते हैं कि ऐसा कोई भगवान, तो ऐसा अगर आप मानते हैं कि इस कैलेंडर वाला भगवान कहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ना किसी को आज तक मिला है और ना किसी को मिलेगा। और जो व्यक्ति आपको भगवान से साक्षात्कार कराने की बात कहता है वो 100 आना झूठ बोलता है। ये तो मित्र भगवान की बात हो गई। अब चूंकि ये शरीर मेरा है जो जड़ है, ये शरीर जड़ है, मैंने कई बार आपको बताया, ये जो शरीर है आपका, ये इन भगवान ने बनाया है, लेकिन ये शरीर जिंदा है, जिसको कहते हैं जीव जगत। ये क्या था? जड़। अब ये क्या है? जीव। जीव माने 84 लाख योनियों के जीव, नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाना प्रकार के छोटे जीव, फिर हाथी तक, घास से लेकर के बरगद के पेड़ तक, और चींटी से लेकर के हाथी तक, और मनुष्य, ये सब जीव जगत की इकाइयां, और सभी की सभी भगवान ने निर्मित किए हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, यही भगवान है। और जब भगवान की पूजा की बात करते हैं तो देखिए, ये नीर कहते हैं विष्णु। विष्णु भगवान का वास कहाँ है? क्षीर सागर में, नीर में। वायु की पूजा करते हैं ब्रह्मा, प्राण वायु यानी पेड़ में। भूमि की पूजा करते हैं, खाना मिलता है यानी कि उर्वर भूमि में, ये शिव कहलाता है। तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको ये भगवान का ही तो एक पार्ट है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, सूर्य देवता, आकाश देवता। आपने कई बार घरों में आपके शादी हुई होगी, शादी देखी होगी, पंडित जी कहते हैं पृथ्वी देवता तुम मऊ निवास हो, वायु देवता तुम मऊ निवास हो, जल देवता तुम भी आना, आकाश देवता तुम भी आना, सूर्य देवता तुम भी आना, और ये जो मनोरथ का काम है इसको पूर्ण कराना, अपना सहयोग प्रदान करना। यानी हमारे इस कार्यक्रम के दौरान कोई व्याधि आप पैदा ना करें, जैसे पानी ना हो, आंधी ना आए, तो रिक्वेस्ट की जाती कि थोड़ा सा शांत 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 बने रहना। तो भगवान का मतलब ये हो गया, भगवान ने शरीर को बनाया और भगवान ने शरीर को पालता है, और मरने के बाद इसी भगवान में विलीन हो जाना है। फिर एक शब्द आता है और, कि लोग कहते हैं एक शंका है अभी भगवान में और परमात्मा में, बहुत से लोग हमको फोन करके कहते हैं कि तुम ये क्या उलझलूल की बात करते हो, शास्त्रों में ये लिखा है, पंडित जी ऐसा बताते हैं।
हमने कहा अगर शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पंडित जी ऐसा बताते हैं, तो सारी दुनिया के दिमाग में भगवान नाम का भ्रम बना क्यों हुआ है? इस भ्रम को तो दूर तो करो यार, कैसे दूर होगा? अगर वो कैलेंडर के भगवान आप ऐसे ही बताते रहोगे तो भ्रम बना रहेगा। और मैं नहीं कहता हूँ, ये हकीकत है। हर व्यक्ति जो भगवान को मानता है, मेरे कई ऐसे मित्र मैं पूछता हूँ, मैं भी पूछ देता हूँ मजाक मजाक में कि भगवान को देखा है क्या? देखा तो नहीं है भाई साहब, लेकिन अब लोग कहते हैं तो मानना ही पड़ता है। नहीं, मानना पड़ता है कि मानते हो? अब चाहे जो कुछ समझ लो भाई साहब, नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ? क्यों? अब जब दुनिया मान रही तो हमको भी मानना पड़ेगा। अरे तो क्यों मानते हो? जिस चीज़ का पता नहीं मानते क्यों? अरे यार, भगवान को नहीं मानेंगे तो कहीं मेरा आहित हो गया तो? डर, भगवान नाम की दहशत इतनी जबरदस्त दिलों में बिठा दी गई है कि मजबूरी में जानता नहीं है मानता। तो कुछ लोगों को तो भगवान जानते नहीं है मानते हैं दहशत की वजह से, कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो विज्ञान के नसलची हैं, वो कहते हैं कहाँ प्रूफ है, भगवान का कोई प्रूफ दे हमको। तो अब भगवान का प्रूफ कौन देगा? तो भगवान जब तक वो कैलेंडर वाले भगवान है ना, तब तक दुनिया का कोई जो आध्यात्मिक से आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कैलेंडर वाले तो प्रूफ नहीं दे सकता। अगर कोई दे सकता हो तो बताए हमको। तो बस कुछ लोग विज्ञान के जो जानकार हैं, जो विज्ञान को अपना आदर्श, विज्ञान को अपना सब कुछ मान चुके हैं, वो कहते हैं भगवान का, भगवान नाम का कोई जीव, कोई प्रूफ इस संसार में नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो प्रकृति का वैभव है, इसको क्या कहोगे? बोले धरती है, पानी है, हवा है, सूरज है, आकाश है, इसका कॉम्प्लेक्स इसको कहोगे क्या? कुछ नहीं कहेंगे। सूरज को सूरज कहेंगे, धरती को धरती कहेंगे, आकाश को आकाश कहेंगे, हवा को हवा कहेंगे, पानी को पानी कहेंगे। तो ये जो पांच तत्वों का जो संयोग है, जो कॉम्प्लेक्स है, वही भगवान है। अब आया चेतन जगत। क्योंकि मैंने बताया कि मैं विनोद कुमार सचान आपके सामने खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरे अंदर का चेतना निकल गई, आत्मा निकल गई, तो मैं तो गिर गया। फिर मैं कहाँ जाऊँगा? सीधे सीधे 4 घंटे 10 घंटे के अंदर गंगा घाट में दफना दिया जाऊँगा। तो लोग कहेंगे यार भगवान का व्यक्ति तो अभी है, मतलब विनोद कुमार सचान तो जैसे थे वो ये पड़े हुए हैं, फिर इनको जलाने क्यों गए? जलाने इसलिए गए क्योंकि इस शरीर के अंदर जो परमात्मा का अंश था, जो गाइड करने वाला था, जो चेतना थी, जिसकी बदौलत ये शरीर चल रहा था, जिसकी बदौलत मुंह बोल रहा था, जिसकी बदौलत आंख खुला थी, जिसकी बदौलत कान कुछ सुन रहा था, जिसकी बदौलत स्पर्श समझ में आ रहा था, वो चेतना निकल गई तो मैं मर गया। भगवान तो है, तो कहे भगवान मर गया क्या? भगवान नहीं मरा, भगवान का अंश भगवान में चला गया। फिर मरा क्या? कुछ भी नहीं मरा, आत्मा अपनी जगह चली गई। और साइंस, अब आई साइंस की बात। साइंस कहती है पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, पदार्थ नष्ट हुआ भी नहीं। इस शरीर 90 किलो के शरीर में जितना पानी था पानी में चला गया, जितना हवा थी हवा में चली गई, जितना आकाश का था आकाश में चला गया, और पृथ्वी का पृथ्वी मिल गया और अग्नि को समर्पित हो गया। तो निकल क्या गया? चेतना। तो वो परमात्मा, तो ये मैंने कई बार आपको बोला कि दर्शन और अध्यात्म ये दर्शन का विषय है। जिसको ये जानकारी वो दार्शनिक है। और शरीर के अंदर चेतना जो है, जो निकल जाती है परमात्मा में, फिर से मिल जाती है, किसी दूसरे जीव में शिफ्ट हो जाती है, वो अध्यात्म का विषय है। यहाँ शंका क्या है? तो ये जो विषय है भगवान और परमात्मा के, इसमें जब शंका होती है बेवजह की, वो शंका बहुत बुरी चीज़ है। और उन लोगों से निवेदन है जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, क्या
कि आपने भगवान को देखा है। यानी अगर लोग नहीं देखे हैं तो कुछ थोड़ा सा मानते हैं तो उनको सत्य समझाना है कि मानो भगवान को तो मानना ही है, क्योंकि भगवान के बिना जीवन है नहीं। परमात्मा को तो समझना है क्योंकि उसके बिना कुछ है नहीं। जब आदमी भगवान परमात्मा को नहीं मानता तब तो इतना बदतमीज हो चुका है। मतलब जो जानते हैं थोड़ा थोड़ा वो तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और यही तो एक डर है कि जो हमको राइट डायरेक्शन में चलने की प्रेरणा देता है। भगवान से डरो। भगवान से डरने का क्या मतलब है? धरती से डरो। डरने का क्या मतलब है? अगर अनफर्टाइल हो गई तो भोजन नहीं मिलेगा। नदियों जलाशयों से डरो। अगर इनमें कचरा घोल दिया, जहर घोल दिया तो पानी कहाँ से मिलेगा? प्राण वायु से, ब्रह्मा जी से डरो। क्यों? पेड़ नहीं मिलेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? इसलिए भगवान का डर है। और इसीलिए डर के कारण ही कहा गया कि भगवान की पूजा करते रहिए। लेकिन समस्या मेरे देश में, मेरे जो इस दुनिया में है, वो उन सिरफिरे लोगों से है कि जो इस विषय को जानते हैं लेकिन अगर ये बता दिया जाएगा तो फिर मेरे दरबार में हाजिरी कौन लगाएगा? क्योंकि हमको तो मुफ्त की बैठ करके खाने की आदत है ना। अगर दुनिया ये सत्य जान गई तो फिर ये जो भगवान के नाम पर दोनों की दुकानें चल रही हैं, जो नास्तिक है, जो भगवान के विरोधी हैं, उनकी भी दुकानें चल रही हैं, और जो भगवान को मानते हैं उनकी भी दुकानें चल रही हैं। और किनकी बदौलत चल रही हैं? हम जैसे अज्ञान लोगों की बदौलत। क्योंकि मैं अपने दिमाग से कुछ सोचता ही नहीं हूँ। अरे अपना दिमाग लगाओ यार, हमारा जीवन किसकी बदौलत चल रहा है? क्या धरती के बिना जी लोगे? क्या पानी के बिना जी लोगे? क्या पेड़ के बिना जी लोगे? क्या जीव जंतु की व्यवस्था के बिना जी लोगे? नहीं जी पाएंगे। तो प्रकृति की जो संपूर्ण व्यवस्था है उसके कण कण में भगवान हैं। जड़ जगत की संपूर्ण व्यवस्था के कण कण में भगवान हैं और जीव जगत के प्रत्येक शरीर के अंदर परमात्मा वास करता है। इस विषय को समझिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।